इस धरती पर इतनी बड़ी संख्या में पधारे हुए मेरे पिता से बड़े बुजुर्गों, माताओं बहनों, नौजवान दोस्तों, मंच पर विराजे हुए मेरे सभी पार्टी के साथी, बहन किरण जी महेश्वरी, भाई जयराजेंद्र सिंह जी, हमारे यहां के प्रधान साहब, पूर्व एमएलए साहब, मेरे विधानसभा के कई साथी यहां कई दिनों से आपके बीच में हैं। मैं आज आपको अपनी मन की कुछ दर्द कहना चाहता हूं। थोड़ा आपको बुरा तो लगेगा, माफी चाहता हूं। आखिर इस देश में राज किसका है? राज जनता का है ना? राम धर्म से बताओ यार, राज किसका, जनता का? हम तो आपके नौकर हैं 5 साल के। जो भी एमएलए बनता है, मुख्यमंत्री बनता है, प्रधानमंत्री बनता है, राष्ट्रपति बनता है, उसकी उम्र तय कर रखी है ना 5 साल की। दोबारा वापस भेजते हो तो हम जयपुर और दिल्ली जाते हैं, और नहीं भेजते हो तो अपने गांव जाते हैं ना। तो वास्तव में इस देश के अगर कोई मालिक है तो आप जनता जनार्दन है। आप जिसे चुनोगे वो आपकी वोट की नहीं पेटी से पैदा होकर के 5 साल तक आपकी नौकरी करेगा। जैसे कोई बढ़िया अपनी दुकान पर किसी मुनीम को रखता है ना, तो हर दिवाली पे हिसाब मिलाता है, इनकी डायरी नहीं देखेगा, उसका मिलान नहीं करेगा, ये तुझे नफा दे रहे हैं या तेरे को नुकसान दे रहे हैं, क्योंकि खजाना तो आप जनता जनार्दन अपने खून पसीने के टैक्स के पैसे से जो कमा करके जमा करते हो ना, वही खजाना जयपुर का और वही दिल्ली का है। उसकी असली मालिक तो ये जनता जनार्दन जो सामने बैठी है वो है। हम तो आपके मुनीम है, मुनीम टांका मार रहा है और मुल्क का मालिक देख रहा है। क्या देश का दुर्भाग्य नहीं है? जो जनता हमको चुनती है वो जनता इस बात को क्यों नहीं समझ रही है 65 साल के बाद? वास्तव में ये देश कैसा बनना चाहिए, ये सरकार कैसी बननी चाहिए, राज कैसा बनना चाहिए, ये निर्णय तो ये जनता जनार्दन करेगी। और इसलिए मैं आपके चरणों में प्रार्थना कर रहा हूं, 65 साल में अगर इस देश की दुर्दशा हुई है, अगर इसको सुधारने की इच्छा है, मैं इसलिए 65 साल कह रहा हूं, कांग्रेस ने दिल्ली में 67 साल तक राज किया, 60 में एक कम, अटल बिहारी वाजपेयी ने केवल 6 साल तक राज किया, भारतीय जनता पार्टी का नेता अटल बिहारी वाजपेयी हिंदुस्तान में 6 साल राज करता है, और कांग्रेस पार्टी जिसकी आपने यहां बार बार सरकार बनाई उसने 60 में एक साल कम 67 साल तक राज किया। मैं सिंबलवाड़ा के क्षेत्र के आप जनता जनार्दन से पूछना चाहता हूं कि 67 साल में कोई ऐसा काम किया हो जो सिंबलवाड़ा और आसपास के लोगों को याद हो तो बताइए, या फिर मैं बताता हूं आपको कि अटल बिहारी वाजपेयी ने हिंदुस्तान की सड़कों को जिस ढंग से जाल फैलाया, आपके गांव गांव में और टूंकर टूंकर पे जो सड़क फैली है उसका पैसा अगर किसी ने भेजा तो हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने भेजा, बिना पक्षपात के भेजा, बिना पक्षपात के। यहाँ एमएलए हैक नहीं है, यहाँ सरकार हमारी हैक नहीं है, लेकिन उन्होंने सबको पैसा दिया और इसके कारण से 250 की आबादी तक का गांव का अगर कोई सड़क से जोड़ा है वो अटल बिहारी वाजपेयी ने जोड़ा। ये जो अहमदाबाद जाने वाली बढ़िया सड़क जो आपको दिखाई देती है, ये केवल अहमदाबाद ही नहीं है, सारे हिंदुस्तान को जोड़ रही है। कांग्रेस वालों, मैं तुम्हें दावत देता हूं, तुमने 67 साल तक राज किया, अगर कोई इस देश को एक काम ऐसा दिखा दो जिसके कारण से जनता को मुंह में तुम्हारा नाम याद हो तो बताइए। अटल बिहारी वाजपेयी हिंदुस्तान का पहला प्रधानमंत्री है जिसे देखा, कभी चीन हम पर हमला करता है, कभी पाकिस्तान हम पर आक्रमण करता है, कभी कारगिल का युद्ध होता है, कभी हमारी सीमाओं को रौंदा जाता है। उसने कहा नहीं, इन दुष्टों को सबक सिखाना होगा। उन्होंने अपने देश को परमाणु बम बनाकर, अणु बम बनाकर, आपने देखा होगा पोखरण के रन में अगर किसी ने 4 धमाके किए और दुनिया को ललकार के कह दिया, अगर हिंदुस्तान की तरफ आंख उठा के देखा तो याद रखना धू धू करके जलाकर फेंक दूंगा। ऐसा बहादुरी का काम अगर कोई कर सकता है तो 6 साल में अटल बिहारी वाजपेयी कर सकता है, कांग्रेस नहीं कर सकती। ये तो आपका मेरा दुर्भाग्य था,
कि अगर एक बार अटल बिहारी वाजपेयी केवल 7 वोट कम पड़ गए लोकसभा में, अगर एक बार प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी बन जाता और हिंदुस्तान के प्रत्येक नदियों को आपस में पानी से जोड़ देते और हमारे खेत तक अगर पानी पहुंचा देता तो हमारे सूखे खेतों में से आपने लगता सोना निकल करके आता और सारा देश निहाल हो जाता। लेकिन वो भी समझ में नहीं आया। कांग्रेस ने इतने साल तक, अभी कांग्रेस ने कानून पास किया है, मैं इस आदिवासी क्षेत्र के भाइयों आप सबको सचेत करना चाह रहा हूं, ये कांग्रेस ने जो कानून अभी विधानसभा में हमने जो पास करने विरोध किया, हमने वॉकआउट किया, हमने कहा ये काला कानून बना रहे हो तुम, मेरा आदिवासी क्षेत्र का हर गरीब से गरीब व्यक्ति भी